गुजरात सरकार ने भी रेरा कानून लागू कर दिया है। गुजरात सरकार ने केंद्र के रेरा कानून को ही आगे बढ़ाया है। गुजरात के रेरा कानून से घर खरीदारों को क्या फायदा होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात सरकार ने धोखेबाज बिल्डर्स पर शिकंजा कसने के लिए रेरा कानून लागू कर दिया है। बिल्डर्स डेवलपर्स के रहमो करम पर रहने वाले कस्टमर्स को इससे ताकत मिलेगी। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के रेरा कानून को ही लागू किया है। रेरा से गुजरात के होम बायर्स को क्या ताकत मिलने वाली है, आइए आपको समझाते हैं। अब बिल्डर को प्रॉपर्टी को कारपेट एरिया में दिखाना होगा और उसमें भी यूजेबल फ्लोर एरिया को वर्ग मीटर या वर्ग फीट में दिखाना जरूरी होगा। बाहर की दीवार का एरिया, ड्रेनेज की लाइन का एरिया, बालकनी और ओपन टेरेस एरिया, इन सभी को अलग से दिखाना होगा। हर निर्माण को इंटरनल पार्टीशन वॉल को कारपेट के रूप में दिखाना होगा। ये सारी चीजें प्रॉपर्टी खरीदार को लिखित में एग्रीमेंट के रूप में बिल्डर्स को देनी होगी। गुजरात के रेरा में 6 चैप्टर और 20 नियम बनाए गए हैं। 1 मई के बाद जो निर्माण कार्य तैयार हो गया है लेकिन बीयू परमिशन नहीं मिली है, उस पर रेरा कानून लागू होगा। जो बिल्डिंग तैयार है उसको भी अब कारपेट के हिसाब से ही बेचना पड़ेगा। इस परिस्थिति में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग एंड स्टेट डेवलपर्स यानी GIHED का मानना है कि इन सभी नियमों का स्वागत है, लेकिन बिल्डर्स को ज्यादा निवेश करना पड़ेगा जिससे प्रॉपर्टी के दाम 15-20% बढ़ जाएंगे। डेवलपर की बात करें तो डेवलपर को एक पेपर वर्क के लिए बहुत सारा लंबा कुछ देना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब तक ये हुआ करता था कि डेवलपर जमीन खरीदेगा, अप्रूवल्स के लिए भेजेगा और अप्रूवल्स जब तक चलता रहेगा अप्रूवल्स, उसके पहले वो मार्केटिंग भी शुरू कर सकता था। अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम साइट पे करेगा कि पानी का बोर बना दिया या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकता, कंपाउंड वाली वगैरह स्टार्ट कर सकता था अपना पजेशन लेके खेडूत से, पर अब ये रेरा के अंतर्गत ये सब नहीं होगा। जहां जहां निर्माण कार्य हो रहा है और वो कॉरपोरेशन के लिमिट के अंदर है वहां वहां ये कानून लागू होगा। हालांकि जो 500 मीटर के अंदर के दायरे में निर्माण कार्य हो रहा है उसको और जो 8 फ्लैट से कम के प्रोजेक्ट हैं उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। केंद्र के कानून के लाइन में ही है, ज्यादा छूटछाट नहीं दी गई है। जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का उन्होंने छूटछाट ली थी, गुजरात सरकार ने वैसी कोई छूट नहीं ली है। और ये मैं मानता हूँ कि ग्राहकों के हित में बहुत एक अच्छा स्टेप होगा। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में कई सारे बिल्डर्स ने ग्राहकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। आज भी गुजरात के अलग अलग कोर्ट में इस तरह के केस लंबित हैं। लेकिन रेरा कानून के बाद अब उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी वाकया अब पेश नहीं आएगा। गुजरात में रेरा कानून लागू होने से भले ही प्रॉपर्टी की कीमतें थोड़ी बढ़ जाने की आशंका हो, लेकिन आखिरकार जो धोखेबाज बिल्डर है उन पर नकेल कसने के लिए और एंड यूजर के लिए ये एक्ट है वो काफी फायदेमंद है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। चलिए, केतन जोशी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अहमदाबाद से। केतन, रेरा लागू होने के बाद क्या लोगों को उम्मीद है कि अब जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा होगी? देखिए, गुजरात सरकार ने भी रेरा कानून है वो लागू कर दिया है, नोटिफिकेशन भी बाहर आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ कई सारे बायर भी हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार इस कानून के आने के बाद कितना फायदेमंद अपने आप को महसूस करते हैं। हमें ये बताइए कि रेरा है वो गुजरात सरकार ने भी लागू कर दिया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? गुजरात सरकार ने रेरा लागू करके बहुत अच्छा काम किया और वो भी केंद्र सरकार के तर्ज नियम के तर्ज पर किया गया है, तो वो कड़क कानून है और जो फ्रॉड हो रहे थे या कोई उसमें कुछ कायदे यानी कायदे में कुछ छूटछाट रहती थी वो उनके लिए बंद हो गई है। अब गुजरात सरकार से यही ख्वाहिश रहेगी कि वो रेरा के कमिश्नर अपॉइंट कर ले, उनकी ऑफिस जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कर दे ताकि नियम का जल्द से जल्द पालन हो और कंज्यूमर को उसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल, अहमदाबाद में धोखाधड़ी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, उस पर भी हम लोगों से पूछते हैं। हमें बताइए कि अब तक क्या हो रहा था अहमदाबाद में, क्योंकि अभी से एक वाक्या जो सामने आया जिसमें करोड़ों की धोखाधड़ी हुई थी और ये कानून आने के बाद अब आप अपने आप को किस तरह से महसूस कर रहे हैं? अहमदाबाद में कई स्कीम में ऐसा होता था कि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट पे कॉरपोरेशन बैंक की लोन भी ले लेते थे
और ग्राहक से भी पैसा ले लेते थे, तो अभी ये रेरा आने से वो सब बंद हो जाएगा और जो बड़ी मात्रा में जो धोखाधड़ी ऐसी होती थी वो बंद हो जाएगी। बिल्डरों की मनमानी अब चलने वाली नहीं है। तो इस कानून से काफ़ी उम्मीद है, खासकर गुजरात सरकार ने जो केंद्र का रेरा कानून है उसी के तर्ज पर यहाँ लागू किया है। नियमों में भी कोई छूट छाट नहीं दी है, जितने भी वो अपने यूनिट बेचेंगे चाहे रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो उसको कारपेट एरिया के तर्ज पर ही बेचना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं गुजरात के लिए फ़ायदेमंद है और केंद्र के तर्ज पर ही ये अमलवारी होने की पूरी संभावना है। बस अब जल्दी से जल्दी हर बिल्डर का रजिस्ट्रेशन हो और जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवा दे गुजरात सरकार, यही एक मांग है। जी केतन, आपका और बहुत शुक्रिया, आपने सीधे कंज्यूमर से ही हमारी बात कराई और बहुत विश्वास है उनको कि रेरा लागू होने के बाद जो बिल्डरों की धोखाधड़ी है, उनकी मनमानी है, वो रुकेगी। मिस्टर भीरा नंदानी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को विश्वास हो रहा है लेकिन ये विश्वास तभी टूटता है जब जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो डायल्यूट करती हैं, इसी पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कुछ समय की बात है और समय के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी केंद्र के कानून के तहत ही चलना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टेट्स को इतनी हिम्मत हो कि वो लागू नहीं करें या पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करें। मेरे अंदाज से हर स्टेट को अभी ये लागू करने की आवश्यकता है। आई थिंक मीडिया भी काफी सावचेत है, कंज्यूमरिज्म भी काफी सावचेत है और पॉलिटिशियंस भी आज के तारीख में या ब्यूरोक्रेसी भी ये चाहती है कि ये क्षेत्र में पूरा ट्रांसपेरेंसी आ जाए और जो लोगों को फ्लैट मिले वो सही समय सलामत मिले। लेकिन उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं आज के तारीख में रिगार्डिंग फंडिंग, रिगार्डिंग लीवरेज, जो आज के तारीख में हमको एस्क्रो करना है। तो काफी बिल्डर्स जो स्ट्रेस्ड हैं, जहां आज के तारीख में भी उनके पास पैसे कम है और प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर सकते, तो उनके जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको कैसे हम बचा सके, तो कैसे उसकी मरम्मत करें कि भाई अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ये फ्लैट मिल जाए, उसके लिए हमें ये रास्ता कोई निकालने की आवश्यकता है। तो ऐसे नहीं हो जाए कि हमको फेलियर्स काफी ज्यादा दिखने लगे। तो मेरे अंदाज से स्कीम तो रेरा की स्कीम सही है, लोगों के हित में है, कंज्यूमर के हित में है। लेकिन ये जो आपने स्ट्रेस की बात की है, जो आपने स्ट्रेस की बात की है सर, सरकार भी चाहती है, जो आपने स्ट्रेस की बात की है कि बिल्डर्स भी बहुत स्ट्रेस में है और फंडिंग को लेकर खासतौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ब्लैक मनी का फ्लो अब है नहीं, सरकार ने बहुत ज्यादा कड़ाई कर दी है। मिस्टर कोठारी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये स्ट्रेस है जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स ने फिलहाल ये थोड़ी बहुत छूट दी है, आने वाले समय में इसको बंद किया जाएगा? हाँ जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये टेम्पररी फेज़ है, टीदिंग ट्रबल्स हैं। धीरे धीरे जैसे कानून इम्प्लीमेंट होता जाएगा जी, कमिश्नर, ग्राहक, बिल्डर सबका फीडबैक लेके इसको कैसे और चुस्त बनाया जाए, कैसे और कड़क बनाया जाए, ये कदम उठाए जाएंगे। ठीक, लॉन्ग टर्म में ये जो भी गैप्स हैं वो भर दिए जाएंगे, ऐसे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी से समय नहीं है, इसलिए मिस्टर प्रभु मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी से बताइए क्या ये जो गैप्स हैं उसको लेकर कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है? क्या कंज्यूमर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो ये जो थोड़े बहुत गैप्स छोड़े हैं उसको लेकर क्या वो कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं? बेशक, देखिए जो भी कायदा है वो केंद्र शासन का कायदा का अनुसार के ही रूल बनाना है। यदि कोई भी रूल जैसे कि केंद्र शासन का जो भी नियम है उसको तोड़ के करते हैं तो बेशक जो भी कस्टमर है या जिसको भी लगता है कि ये एग्रीड है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और जितने भी केंद्र शासन का नियम है उसी तरह से उनको आगे जाना होगा। ठीक है, चलिए तो कंज्यूमर के पास अभी ये ऑप्शन भी ओपन है। बहुत जल्दी से श्रीराम खन्ना जी, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, कंज्यूमर का हक है घर का, वो हक पहले भी था और अब भी है। इस कानून के आने से ये हक मजबूत हुआ है और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के तहत और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, दोनों के तहत ग्रुप बना के बायर्स एक प्रोजेक्ट के उस बिल्डर और सरकार के खिलाफ मुकदमे कर सकते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और मैं अपील करना चाहूंगा कि बायर्स अपने ग्रुप बनाएं, अपने आप को संगठित करें ताकि कोई बिल्डर उनकी हजामत ना उतार सके। सर, समय कम है इसलिए बहुत माफी चाहूंगा आप सभी को, मेरे को बीच में रोकना पड़ा, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए और इस कार्यक्रम के जरिए
हमारे कंज्यूमर को जरूर ये समझ में आया होगा कि अभी भी उनके पास ऑप्शंस ओपन हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। और तमाम एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर गैप है तो आने वाले समय में उससे भरा ही जाएगा, कोई चारा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।